Hello दोस्तों, welcome back to another episode of Minecraft। तो दोस्तों मुझे जल्दी से बताओ, आज हम लोग अपनी survival series में क्या करने वाले हैं? गजामा, देखो हमारा घर बहुत ही ज्यादा छोटा सा है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो इसीलिए आज हम लोग बनाएंगे बहुत बड़ा हाउस। और इसको बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगने वाली है, तो लेट्स गो। तो दोस्तों हम अपने विलेज से थोड़ा दूर आ चुके हैं, हमारा विलेज एग्जैक्ट उस तरफ है। और हाँ, ये घर हमारा बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है, इसलिए हमने सारा सामान इकट्ठा करके रखा है ये चेस्ट में। अगर हम विलेज में इस घर को बनाते तो जगह कम पड़ जाती। ओहो, हमारा घर इतना बड़ा होगा क्या खजाना? हाँ शिनचैन, हमारे घर में सब कुछ होगा, एनिमल फार्म, फूड फार्म, लाइब्रेरी एंड और भी बहुत सारी चीजें। अरे वाह, फिर तो मजा ही आ जाएगा। तो चलो अभी हमें काम शुरू करना है, अपनी फालतू की बातें बंद करो। अरे वाह, आज मेरे 3 मजदूर काम पे लगने वाले हैं। चलो मेरे मजदूर अपना काम शुरू करो। अरे अरे, हम तेरे कोई मजदूर नहीं है, समझा तू? हम यहाँ पे सब मिलके काम करेंगे। तो खजाना, अभी यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? अरे मैं साओ, अभी मैं अपने घर का एक एरिया सेट कर रहा हूँ, जिसके अंदर अंदर हमें अपना पूरा घर बनाना है। आज ज्यादा मेहनत तुम तीनों करोगे। क्यों शिनचैन, हम तीनों क्यों? क्योंकि मैंने इस घर का सामान इकट्ठा करने में इतनी ज्यादा मेहनत की है। अरे हाँ, बात तो सही है, बेचारा शिनचैन कितने दिनों से घर का सामान इकट्ठा कर रहा था। मैंने भी तो बहुत हेल्प की थी ना शिनचैन की। लेकिन ये वाला घर बनाने में हम चारों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। तो चलो, खजामा ने तो काम करना शुरू भी कर दिया है। अरे मसाओ, मैं यहाँ पे तुम लोग के जैसे फालतू टाइम वेस्ट नहीं करता। ये देखो, 5-5 की जगह छोड़ के यहाँ पे हमें ये लगाने थे, और ये मैंने लगा भी दिए। ओके, यहाँ से भी हमें इस डर्ट को हटाना है। अरे ये डर्ट को हटाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, ये देखो मैंने हटा दिया। हाँ, अभी यहाँ पे भी मुझे ये वाले लॉक्स लगाने हैं, तो जल्दी से लगाता हूँ। ये यहाँ पे लग गया, एक और यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे भी लगाना है। अरे खजामा, पीछे भी थोड़े से लगाने हैं। हाँ हाँ मसाओ, सब कहीं लगाऊंगा। और ये लग गए, बस ये लास्ट है। मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है, चलो खजाना हम कुछ खाते हैं। अरे शिनचैन, अभी हमें काम शुरू ही किया है और तुझे भूख भी लगने लग गई। शिनचैन तुम अभी रुक जाओ, हमें बहुत काम है, भूख भूख तो बाद में देखेंगे। अभी यहाँ पे हमें लगाना है ये स्टोन ब्रिक्स। देखो ये स्टोन ब्रिक्स कितनी ज्यादा बढ़िया लगेंगे यहाँ पे। लेकिन मसाओ, ये तो वॉल्स के नीचे आ जाएंगे। अरे बोचन, बट फिर भी अच्छे लगेंगे, तुम बस देखते रहो। ठीक है, और यहाँ पे डर्ट से कवर कर दो, यहाँ पे हमें स्टोन ब्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। अरे दोस्तों, रात हो रही है, यहाँ पे ज़ॉम्बी स्पॉन होने लग जाएंगे। अरे जल्दी सो जाओ, जल्दी सो जाओ दोस्तों, जल्दी सो जाओ, वरना ज़ॉम्बीज़ में सर को खा जाएंगे। शिनचैन मुझे क्यों खाएंगे, तुम लोग को भी खा जाएंगे वो। नहीं मैं सर, तुम हम सबसे ज्यादा टेस्टी हो, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को राइस बॉल्स बहुत पसंद होते हैं। लेकिन शिनचैन, हमारे पास तो राइस बॉल्स है ही नहीं। हाँ, वो तो तुम ही हो ना। क्या बोला शिनचैन? कुछ नहीं मसाओ। खजामा, क्या शिनचैन अभी अभी मेरी बेइज्जती कर रहा था? अरे नहीं मसाओ, वो कोई बेइज्जती नहीं कर रहा था। अभी देखो यहाँ पे मेरे को काम करने दो, जल्दी से कोबलस्टोन लगाना है मेरे को यहाँ पे। ये वाले रूम में पता नहीं हमें क्या बनाना है। तो इस रूम को बनाए क्यों रहे हो? पता नहीं बोचा, बस यहाँ पे बड़ा घर बनाना है ना, तो इसलिए एक्स्ट्रा रूम्स भी बनाएंगे और उनमें बाद में कुछ चीजें ऐड कर देंगे। अच्छा ठीक है। चलो खजाना, हम लोग नेदरराइट लेके आते हैं। नेदरराइट नहीं, डायमंड नेदरराइट से ज्यादा बढ़िया होता है। अरे मसाओ, नहीं नहीं, नेदरराइट ज्यादा बढ़िया होता है ना, किसी से भी पूछ लो। डायमंड दिखने में भी बहुत सुंदर होता है और वो पावरफुल भी होता है। ओए रुको रुको दोस्तों, आप लोग बताओ डायमंड ज्यादा बढ़िया है या फिर नेदरराइट, जल्दी से कमेंट करो। ओए ये देखो, मैंने यहाँ पे वॉल्स लगा दी, अब इनको एक दूसरे से अटैच करना है। जल्दी से बोचन इस काम को फिनिश कर। ठीक है खजामा, मैं करता हूँ। ये किया, यहाँ से भी कर देता हूँ। ये हो गया, यहाँ से भी हो गया, और ये भी हो गया। बोचन तुम कितना ज्यादा स्लो काम करते हो, जितना स्लो तुम बोलते हो ना, उससे ज्यादा स्लो तो तुम काम करते हो। मसाओ, लेकिन मैं पिटाई बहुत तेज करता हूँ, अगर जरूरत है तो बोलो। मुझे लगता है कि आज मसाओ मार खा के ही मानेगा। शिनचैन, मैं कोई मारवाड़ नहीं खाने वाला, मेरे डोले शोले बहुत बड़े हैं और तुम
तुम लड़ नहीं जानती कि मेरे में कितनी पावर है। भोजन जैसे को तुम्हें एक उंगली पे उठा के पटक देता हूँ। ओए तुम लोग बात ही करते रहोगे, मैं तब से मेहनत कर रहा हूँ। यार तुम लोग तो बड़े भाई कंजूस हो और एकदम आलसी भी हो। ये देखो अभी यहाँ पे मुझे सीढ़ियाँ बनानी है। तुम ही तो बोलते हो कि तुम सबसे ज्यादा मेहनती हो, तो मेहनत तो तुम्हें ही करनी चाहिए ना। हम तुम्हारा रुतबा नहीं छीन सकते। ओए मुझे कोई रुतबा नहीं चाहिए मेहनत का, तुम सब मेरी हेल्प करो। ठीक है अभी सो जाओ, कल सुबह करेंगे हेल्प। वाह कितने ज्यादा कंजूस है, जब हेल्प की बात आई तो सोने चले गए। अरे ठीक है कजामा, मैं यहाँ पे वॉल्स कर देता हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है बोचैन एक अच्छा है जो मेरा पक्का दोस्त है और मेरी पूरी हेल्प करता है। चलो कजामा मैं खाना खा लेता हूँ, तेरी एक दोस्ती तो दोस्त के काम आता ही ना। ओए इसमें कौन सा काम, तू अगर खाना खाएगा तो उसमें मेरा क्या फायदा। अरे मैंने खाया तुमने खाया एक ही तो बात ही ना कजामा। अबे अबे चल चल अभी मैं भी खाऊंगा खाना, लेकिन उससे पहले काम फिनिश करेंगे। कजामा मेरा काम पूरा हो गया और मैंने अपना काम शुरू कर दिया है, यही पे फार्म बनाना है ना कजामा। हाँ मसाऊ यहाँ पे हमारा एनिमल फार्म बनेगा। ठीक है चलो, यहाँ पे एनिमल फार्म और यहाँ पे बनेगा फूड फार्म। बिल्कुल सही, यहाँ पे मसाऊ ने भी अपना अच्छे से काम कर दिया। शिनचान इसके बाद तेरी बारी है। मुझे क्या करना है। तुझे डेकोरेशन करनी है। डेकोरेशन में तुम्हें बहुत ज्यादा प्रो हूँ कजामा। हाँ तो फिर चल शुरू हो जा, यहाँ पे तुझे जल्दी से पहले फेंस लगाने हैं, उसके ऊपर ट्रैप डोर्स लगाने हैं। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, कभी लगाता हूँ। ये मैंने लगाया फेंस और ये लगाया ट्रैप डोर, इसके बाद यहाँ पे भी ट्रैप डोर और यहाँ पे भी ट्रैप डोर। हो गया, अब तुझे एक और चीज करनी है, अभी ऊपर कैंप फायर लगा और उसके बाद उसको शॉवल से बुझा दे। बुझाना क्यों है, कैंप फायर को बुझाते नहीं कजामा। अबे तू बुझाना, ये डेकोरेशन के लिए है। कजामा तो कुछ ज्यादा ही दिमाग लगा रहा है। अबे डेकोरेशन में मैं बहुत ज्यादा प्रो हूँ, तुम लोग जानते नहीं हो। लेकिन अगर डेकोरेशन में नैनी हमारे साथ होती तो वो कजामा से भी ज्यादा अच्छी डेकोरेशन करती। अबे चुप मसाओ, मैं तुम सबसे ज्यादा बेस्ट डेकोरेशन करता हूँ, नैनी से भी ज्यादा। ठीक है कजामा, मैं नैनी को ये बात जरूर बताऊंगा। अरे नहीं नहीं तुम मेरे दोस्त हो या तुम मेरे दुश्मन हो यार, एक चीज बता दो। कजामा हम तो तुम्हारे पक्के वाले दोस्त हैं। हाँ तो फिर ऐसा नैनी को मत बताना यार तू। मैं तो मजाक कर रहा था। हाँ ठीक है, ये देख शिनचान जैसा मैंने तुझे बोला था वैसे ही कर रहा है, बहुत अच्छी डेकोरेशन लग रही है। अरे कजामा ये सब तो मैंने खुद ही सोच रखा था। अबे मैंने तुझे बताया नहीं कजामा, ये मेरा आइडिया था, शिनचान ने हरा का। ओ जिसका भी आइडिया था बहुत अच्छा था, ये बहुत ही ज्यादा कूल लग रहा है। अभी आगे हमें यहाँ पे भी सेम चीज करनी है। सेम चीज हर जगह करनी है क्या कजामा। हाँ शिनचान यहाँ पे हमारे घर में ये काफी जगह होने वाला है, क्योंकि ये सेम डेकोरेशन ना एकदम क्लासिक लगती है। कजामा लेकिन इसका मतलब क्या है। और उसका मतलब है कि सेम डेकोरेशन क्लासिक लगती है। अरे हाँ लेकिन इसका मतलब क्या है। अबे क्लासिक का मतलब क्लासिक। बट मैं समझा नहीं कजामा। अबे तुझे समझ भी नहीं आएगा, हट। अभी आसपास हमें ये लीव्स लगाने हैं जो कि हमारे घर के लुक को और ज्यादा शानदार कर देंगे। और अभी यहाँ पे फेंस लगाते हैं और यहाँ पे भी कैंप फायर के साथ डेकोरेट करेंगे। अरे बोचैन तू तो भाई मेरे मन की बात छीन ली। कजामा मुझे पता है हमें कुछ और भी करना चाहिए। क्या शिनचान, हम यहाँ पे डर्ट लगा देते हैं, उससे घर और भी ज्यादा सुंदर लगेगा। अबे डर्ट कोई डेकोरेशन नहीं होती। होती है कजामा, तुम एक बार यूज करके तो देखो। अबे नहीं नहीं डर्ट यूज नहीं करेंगे हम लोग। चलो मैं यहाँ पे कैंप फायर से डेकोरेट कर देता हूँ, ये बस होने ही वाला है। मसाऊ जल्दी से आग को भी बुझा दे वहाँ से। हाँ कजामा बुझा दी। ये देखो ये कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। हाँ मसाऊ अब इसको भी बुझा दो, ये एक नीचे गलत लगा दिया। अरे बोचन वो तो मैंने तोड़ दिया। अरे शिनचान चल अब तेरी बारी, यहाँ पे इसको पूरा फिल कर दे, क्योंकि यहाँ पे हमें अभी ये फ्लोर बनाना है। कजामा तुम करो, मैं खाना खाने के बाद काम करूंगा। अबे खाना खाने के बाद नहीं अभी कर। अच्छा ठीक है कजामा, तुम तो कुछ ज्यादा ही जुल्मी हो। ओए मैं कोई जुल्मी नहीं हूँ, ये हम सबका काम है। ओके ये देखो यहाँ से तो हो गया, अभी हमें दूसरे प्लैंक से यूज करने हैं। हाँ ये वाले हमारे प्लैंक से, इनको जल्दी से यूज करते हैं। और यहाँ पे ये जो पूरा हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे हम लोग फिर से वॉल करेंगे। मसाओ ये कितना बड़ा होने वाला है ये तो बताओ। अरे बोचन ये सेकंड फ्लोर के ऊपर भी एक और फ्लोर बनेगा। क्या इसके ऊपर भी एक और फ्लोर। अरे हाँ अभी हम लोग एक ही बार में अपने घर को बहुत ही बड़ा और अच्छा बना देंगे, फिर हमें दोबारा से एक नया घर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कजामा लेकिन मैं तो सोच रहा था कि मैं अपने एक अलग से भी घर बनाऊंगा। अरे मसाओ तो वो तो बना लेना, लेकिन ये हम चारों का होगा ना।
ये तो बढ़िया आइडिया है। अभी यहाँ पे हमें फिर से पिलर्स खड़े करने हैं, फिर वॉल बनेगी। कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं। अरे मैं तो मेहनत कर करके पानी पानी हो गया। अरे नहीं नहीं, मैं तो पसीना पसीना हो गया। शिनचैन, पसीना तुम्हें क्यों आ रहा है? सारी मेहनत तो हम कर रहे हैं। अरे मसाओ, तू इसकी बातों पे ध्यान मत दे, ये तो बस बोलता रहता है, करता कुछ नहीं। एक जमा में बहुत कुछ करता हूँ, तुम ज्यादा बोल रही हो। अभी मैं तुम्हारी मुंडी तोड़ दूंगा। अभी यहाँ पे मैं फ्लावर पॉट लगा देता हूँ और इसके ऊपर ओक लीव्स, इससे हमारा घर बहुत ही सुंदर दिखेगा। अरे ये तो सेम डेकोरेशन फिर से करने लग गए तुम बोचैन। कजामा ने ही तो बोला था कि ये सेम ही रहेगा। अरे सही है बोचैन, एकदम सही है, परफेक्ट कर रहा है तू। अरे इसको क्यों तोड़ रहे हो कजामा? अरे ये कजामा पागल हो गया है, ये इसको क्यों तोड़ रहा है? बने बनाए को। अरे शिनचैन, यहाँ पे हमें नेदर पोर्टल बनाना है ना। तो तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना कजामा, तुम भी एक नंबर के नूबड़े हो। अरे तुम लोग मुझे बोलने का मौका दोगे, मैं तभी तो बताऊंगा ना। तुम लोग कजामा को परेशान मत करो, वो भी पूरा काम पे फोकस कर रहा है। हाँ ये देखो मसाओ कितना समझदार है, और ये हमारा बन गया नेदर पोर्टल। वाह, घर के अंदर ही इतना बड़ा नेदर पोर्टल। हाँ बोचैन, और यहाँ पे हम लगाएंगे अपनी स्टोरेज। अरे कजामा, यहाँ पे तुम्हें वॉल करनी चाहिए थी। अरे शिनचैन, स्टोरेज से ही वॉल हो जाएगी, टेंशन क्यों ले रहा है? ये देख, और ये एक्स्ट्रा लग गई चेस्ट, इसको तोड़ देता हूँ। अरे कजामा, हाँ ये तो सही में वॉल जैसे लग रहा है। अरे मसाओ, इसी को तो बोलते हैं दिमाग, जो कि मेरे अलावा किसी के पास नहीं है। लगता है आशा शिनचैन मुझसे मार खा के ही मानेगा। तुम मेरी बात में नैनी को बता दूंगा कि तुमने बोला था कि तुम्हें उससे ज्यादा अच्छी डेकोरेशन आती है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था शिनचैन, तुम गुस्सा क्यों करते हो यार? देखो दोस्त, थोड़ा बहुत मजाक कर ही लेते हैं। मुझे लगता है कि जामा नैनी से कुछ ज्यादा ही डर रहा है, इतना तो मैं भी नहीं डरता। अच्छा मिसाल, तो एक बार नैनी के सामने जाके बोलो ये बात। अरे तुमने कब सुन ली? अरे मिसाल, मेरी आंखों की सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा तेज है। आंखों की सुनने की शक्ति? हाँ, और मैं कान से देख भी सकता हूँ। अरे अगर ये कान से देख सकता है और आंखों से ये सुन सकता है, फिर तो ये नाक से बोलता होगा और मुंह से ये सूंघता होगा। यार मैं तो शिनचैन के साथ रह के पागल हो जाऊंगा, ये तो बिल्कुल अजीब प्राणी है। प्राणी क्या होता है मसाओ? अरे प्राणी मतलब ह्यूमन। ह्यूमन क्या होता है? ह्यूमन मतलब मानव। मानव, लेकिन वो क्या होता है कजामा? अरे मानव मतलब इंसान। तो ऐसा बोलो ना, तुम भी एक नंबर के जानवर हो, जो इंसान नहीं पता तुम्हें क्या होता है। अबे मुझे तो पता है, तुझे नहीं पता था। लेकिन फिर तुम्हें क्यों नहीं पता था कि मानव को इंसान बोलते हैं? अरे अरे लेकिन कजामा, शिनचैन से तुम बहस में नहीं जीत सकते, इसलिए अपनी हार मान लो। हाँ बोचैन, शायद तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं हार मानता हूँ और अपने काम पे ध्यान देता हूँ। बिल्कुल सही किया कजामा, लेकिन ये क्या, तुमने तो नेदर पोर्टल को पीछे से बंद कर दिया। अरे मसाओ, तो फिर हमारा पीछे का भी घर अच्छा दिखना चाहिए ना, सिर्फ आगे आगे का थोड़ी ना अच्छा दिखना चाहिए। अरे हाँ बात तो तुम्हारी सही है, ये क्या कर रहे हो? ये हम पीछे से हमें डेकोरेट करेंगे घर को, एकदम अच्छे से बनाएंगे। पीछे से भी डेकोरेशन? मतलब पीछे हम इतनी डेकोरेशन लगाएंगे तो नहीं, लेकिन हम पीछे से अपने घर को ऐसा बनाएंगे कि पीछे से दिखने में भी वो बहुत अच्छा लगेगा। वाह कजामा, तुम्हें तो सच में नैनी से ज्यादा अच्छी डेकोरेशन आती है। इसलिए तो बोल रहा हूँ, हम एक बार नैनी को बता के देखते हैं। यार देखो, मेरे को नैनी से अच्छी डेकोरेशन नहीं आती, लेकिन हाँ मैं अच्छी डेकोरेशन कर लेता हूँ, बस नैनी को मत बताना। ठीक है कजामा, जैसे तुम कहो। अभी यहाँ पे भी मैं सेम ही करना है जैसा दूसरी साइड किया था। ओके, तो यहाँ पे लगेंगे 3 planks और यहाँ पे लगेगी स्टेयर्स, इसके ऊपर लगेगा ये स्ट्रिप प्लैंक। अरे स्ट्रिप प्लैंक नहीं है, ये लॉग है मसाओ। अरे हाँ वही, और यहाँ पे हमें लगेगा ग्लास। तो एक काम करो मसाओ, अभी ग्लास में पानी लेके आओ। ये वो वाला ग्लास नहीं है शिनचैन, ये दूसरा वाला ग्लास है जो घरों में लगता है। अरे मसाओ, घरों में ग्लास भी होता है जिसमें हम लोग पानी पीते हैं ना। अरे शिनचैन, ये दूसरा ग्लास है, खिड़की वाला। तो ऐसा बोलो ना। अरे दोस्तों ये देखो, यहाँ पे भी मैंने स्टोरेज बना दी, अब तो हमें स्टोरेज की बिल्कुल भी कमी नहीं होने वाली। चलो ये तो बढ़िया है कि हमारे पास अभी बहुत सारी स्टोरेज है, यहाँ पे भी हम सेम डेकोरेशन जल्दी से कर देते हैं। ये हो गया, चलो अभी यहाँ पे करते हैं बालकनी का काम। अरे वाह, हमारी घर में बालकनी भी होगी। हाँ मसाओ, यहाँ पे हमारी ये बालकनी है, देखो कितनी ज्यादा सुंदर लगेगी ये। यहाँ पे लैंटर्न भी लगा देते हैं, ये लग गया, दूसरी साइड भी सेम करेंगे। ये मैं करूँगा मसाओ, ये मैं करूँगा। अरे वाह, फाइनली शिनचैन कुछ काम करने के लिए मान तो गया।
चिलक तुम्हारी बारी मसाओ। ई क्या किया तुमने? मैंने एक लैंटर्न लगाया मसाओ। अरे तुमने एक लैंटर्न लगाया, मुझे तो लगा था तुम अच्छे से बहुत ज्यादा काम करोगे। ठीक है मसाओ मैं करता हूँ। ये देखो मैंने यहाँ पे बैरियर लगा दिया, चेस्ट भी लगा दी, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल लगा दिया और यहाँ पे फिर से चेस्ट लगाऊंगा, यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पे बैरियर। शिनचैन ने कितनी जल्दी काम किया। चलो बढ़िया है, अब तो शिनचैन भी काम करने लग गया, अभी हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। कज़ाम अब आगे क्या करना है? मसाओ अभी हमें थोड़ा ऊपर डेकोरेट करना है। ये मैंने यहाँ पे लॉग लगाए हैं ना, तो लॉग्स पे अभी जल्दी से बटन लगा दो। ये बटन तो अच्छे लग रहे हैं। ये बटन दबाने से क्या होगा कज़ाम? ये बटन दबाने से कुछ नहीं होगा शिनचैन, ये बस डेकोरेशन के लिए है। तो अभी इसका मतलब ये हमें पूरा घर की हर तरफ करना है। हाँ मसाओ, अब ये सेम चीज घर के पूरी हर तरफ कर दो। पीछे भी करना पड़ेगा। चलो कर देती है, अगर कज़ामा ने बोला है तो। ए बिल्कुल सही बोला, मेरी बात माना करो क्योंकि मैं तुम्हारा लीडर हूँ। अरे कज़ामा तुम हमारे लीडर नहीं हो। अरे मैं तुम्हारा लीडर हूँ, बोचा से पूछ ले। क्या पूछो, लीडर नहीं हो तुम हमारे? अबे इन्होंने तो मुँह पे बेइज्जती कर दी। ठीक है ठीक है, कज़ामा काम होने ही वाला है, बस बटन लगाने रह चुके हैं। हाँ तो जल्दी से बटन को लगा दो। चलो मेरा काम तो डन। अभी हमें थर्ड फ्लोर बनाना है, तो चलो यहाँ पे जल्दी से छत बनाते हैं। थर्ड फ्लोर की बारी, क्या बात है, हमने दो फ्लोर तो बना ही दिए हैं। अरे कज़ामा। हाँ शिनचैन। हमने तो सेकंड फ्लोर में ही चेस्ट के अलावा कुछ रखा ही नहीं। अरे रखेंगे रखेंगे, सबसे पहले हम फ्लोर्स बनाएंगे, उसके बाद सब फ्लोर्स में अलग अलग चीजें रखेंगे। ठीक है तो जल्दी से बनाओ, जल्दी काम करो मेरे सस्ते मजदूर। अगर धीरे धीरे काम करोगे तो मैं तुम्हारी पगार काट लूंगा। शिनचैन सॉरी सॉरी, मैं सारा काम जल्दी जल्दी करूंगा, प्लीज मेरी पगार मत काटना शिनचैन प्लीज। अरे मसाओ, वो तो हमें पगार दे ही नहीं रहा, काटेगा कहाँ से? अरे ये मसाओ एक नंबर का पागल है। अरे मैं तो भूल ही गया था, हटो शिनचैन, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा, जो करना कर लो। अच्छा मसाओ तो तुम करते रहो, अब तो तुम्हारी पगार पक्का कटेगी। लेकिन शिनचैन। अरे मसाओ वो हमें कोई पगार नहीं दे रहा। अरे हाँ मैं तो भूल ही जाता हूँ, सॉरी सॉरी, फिर से मेरे दिमाग से निकल गई थी। थर्ड फ्लोर का भी काम शुरू करते हैं। अरे ये तो जल्दी बन जाएगा क्योंकि इसमें हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ओ ठीक है कज़ामा, अगर तुम बोल रहे हो तो जल्दी ही बनेगा। हाँ ये तो बहुत फास्ट बनने वाला है, यहाँ पे ग्लास लगा दो और ये सेम चीज हमें तीनों साइड करनी है। हो गई कज़ामा, ये तो बहुत ही आसान था। ये तो हो गया, अब क्या करना है कज़ामा? मसाओ अभी हमें इसका पीछे का काम करना है, यहाँ पे जैसे हमने नीचे किया था वैसे सेम टू सेम करना है। अरे कज़ामा तुम तो बस कॉपी किए जा रही हो, कॉपी डॉग। अरे कॉपी डॉग क्यों बोल रहा है, कॉपी कैट होती है। अरे तुम तो कुत्ते हो कज़ामा, इसलिए मैं तुम्हें कॉपी डॉग बोलूंगा। अरे अरे मैं कुत्ता वुत्ता नहीं हूँ, मैं हूँ कज़ामा जो कि बहुत ज्यादा मेहनती लड़का है। कज़ामा इतना भी झूठ नहीं बोलना था। ये काम भी हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। ये लगा और उधर भी सेम टू सेम। भाई बोचन भी सीख चुका है, ये शिनचैन पता नहीं कब सीखेगा। अरे मुझे सब आता है, बस तुम लोग को मैं दिखाता नहीं हूँ। अच्छा जरा ये भी तो बताओ क्यों नहीं दिखाते? क्योंकि मैं सारे कॉपी डॉग फिर मेरी कॉपी कर लेते हैं। कज़ामा तुम्हारी कॉपी करता है। अबे मसाओ उसने कॉपी डॉग की बात की है। लेकिन वो तो तुम ही हो ना कज़ामा। अबे तुम दोनों भी उसकी बात मान रहे हो। ए शिनचैन तुम इसको तोड़ क्यों रहे हो? अरे मसाओ इसकी जगह हम लोग ये वाला लगाएंगे, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। ओ हाँ ये तो उससे ज्यादा अच्छा लग रहा है। अरे वाह शिनचैन तू भी डेकोरेशन सीख रहा है। अरे मैंने बोला ना कज़ामा मुझे सब आता है, बस तुम मेरी कॉपी मत करना। हाँ ठीक है अब इनको सब जगह चेंज कर दे, ये वैसे डार्क वाले अच्छे लग रहे हैं। हाँ कज़ामा शिनचैन ने कलर को देखते हुए जी चूज किया होगा। अरे मसाओ तुम्हें कैसे पता? शिनचैन ये तो कोई भी बता सकता है। मसाओ तुम भी प्रो बन रहे हो मुझे देख देख के। अरे शिनचैन मैं तो पहले से ही प्रो था। चलो दोस्तों हमारा थर्ड फ्लोर भी बन चुका है, अब हमें सिर्फ छत बनानी है। छत कैसे बनानी है? वो मैं दिखाता हूँ, ये तुम लोग के बस की नहीं है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अरे कज़ामा मैं कंप्लेन नहीं पीता। अबे कंप्लेन नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अरे तुम ही तो वही बोल रहा है, मैं कंप्लेन नहीं पीता, तुम ही पी लो। अबे इसको समझाओ कोई। शिनचैन मतलब वो बोल रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अरे मसाओ शिनचैन हमारे के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। ओ बिल्कुल सही बोला शिनचैन ने। अच्छा तो ठीक है ये दूसरी साइड से कर। ठीक है कज़ामा ये लो कर देता हूँ। ये तो मेरे बाएं हाथ की बाएं उंगली का खेल है, तो ये मैंने किया, इसके बाद यहाँ पे लगाऊंगा।
इसको पैटर्न कैसे समझ आ गया? जामा तुम उसे जितना बुद्धू समझते हो ना वो उतना है नहीं, क्योंकि सबसे ज्यादा बुद्धू तो तुम ही हो। अबे मसाओ, सबसे ज्यादा बुद्धू तू है। ये लड़ना बंद करो, दूसरी साइड भी हमें सेम टू सेम करना है। हाँ चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा मुझे, तुम लोग तो बहुत ही ज्यादा स्लो हो। ये बोचे तो बंटी के साबुन जितना स्लो है। जामा अब तुम मेरी बेइज्जती करे तो मैं तुम्हें यहीं से नीचे फेंक दूंगा। अरे सॉरी सॉरी पोचर यार, तुम मजाक भी नहीं समझते, गुस्सा मत किया करो। कज़ामा ये तो होने वाला है, जल्दी से इसको कंप्लीट कर दो। हाँ मसाओ बस हो गया, यहाँ पे इसको लगाना है ये, और इसके ऊपर हमें एक स्लैब रखनी है। ये रख दिया स्लैब, अब इसको बस जोड़ना है। हाँ और उसके बाद हमारी छत भी कम्प्लीट हो जाएगी। छत कंप्लीट होने के बाद हमारा सारा काम पूरा हो गया ना कज़ामा? नहीं मसाओ, अभी हमें अंदर सामान भी तो रखना है, लाइब्रेरी वगैरह सब कुछ बनाना है। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गया था, फार्म भी बनाने हैं अभी तो हमें। फार्म, एनिमल फूड फार्म। अरे वाह, एनिमल्स का फूड फार्म। एनिमल्स का फूड फार्म? हाँ कज़ामा, एनिमल्स को मार के हमें बहुत सारा खाना मिलेगा ना। अबे एनिमल फार्म अलग से बनेगा, फूड फार्म अलग से बनेगा। मुझे लगा बच्चे ने बोला कि एनिमल फूड फार्म। तो वो ही बोल रहा था जो शिनचान तुम समझे थे। अरे बोचा तू भी। सॉरी सॉरी, मुझे गलत फहमी हो गई थी। हमारे एनिमल्स एक तरफ रहेंगे और फूड हमारा दूसरी तरफ रहेगा। कज़ामा इनसे मत बहस करो, इनको कुछ समझ नहीं आता, इनका दिमाग एकदम मोटा है। तेरी मसाओ तुमसे ज्यादा मोटा नहीं है। ये शिनचान मैं तो बहुत ज्यादा पतला हूँ। हाँ मसाओ तुम्हारा दिमाग भी बहुत ज्यादा पतला है। ये तो फिर पतला है ना तो सबसे तेज भी है। नहीं मसाओ तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा पतला है, इतना ज्यादा पतला है कि वो दिखता नहीं है। बहुत सही बोला शिनचान ने। कज़ामा ये दोनों मेरी बेइज्जती कर रहे हो और तुम सिर्फ सुन रहे हो। अरे मसाओ मैं काम पे ध्यान दे रहा हूँ, ये दोनों तो चुप नहीं होने वाले, इसलिए मैंने सोचा मैं काम ही कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तुम मुझे भी तुम्हारे साथ काम में शामिल कर लो। हाँ ये वुड वाली स्टेयर्स को जल्दी से यहाँ पे लगा। अरे मुझे भी दो ना कज़ामा, कोई काम तो दे दो। हाँ तू हमारा सर खाता रहे। अरे नहीं कज़ामा, तुम्हारा सर बहुत ही ज्यादा गंदा टेस्ट करता है। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। ठीक है मैं तेरे को काम देता हूँ, अब जब मसाओ का ये काम पूरा होगा तू बालकनी को डेकोरेट करेगा। अरे हमने बालकनी तो बनाई थी ना कज़ामा। अरे हमें जो सेकंड फ्लोर पे भी बालकनी बनानी है, ठीक है समझ रहा है? ठीक है कज़ामा। मुझे भी दोना काम, मुझे भी करना है। अरे एक बालकनी शिनचान बनाएगा, दूसरी बालकनी बोचन बनाएगा। सही है, ये वाली मैं बनाऊंगा। नहीं नहीं मैं बनाऊंगा। अरे मैं बनाऊंगा। अरे शिनचान को बनाने देना यार बोचन। ठीक है बना ले शिनचान, ये कज़ामा बहुत जल्दी रोने लग जाता है। अबे इसमें मेरी रोने वाली बात कहाँ से आ गई? कज़ामा छोड़ो ना, इनसे बहस मत करो, अभी यहाँ पे कैंप फायर लगा के कवर करना ही ना कज़ामा। हाँ शिनचान यहाँ पे पूरे कैंप फायर लगा दे, इससे ये पूरा बालकनी कवर हो जाएगा और ये दिखने में भी काफी अच्छा लगेगा। हाँ बस हो गया, ये और ये शिनचान ने किया कंप्लीट। अरे इनको बुझाना तो रह गया, जल्दी से बुझा देता हूँ वरना पूरे घर को आग लग जाएगी। मेरी बारी, चलो अब मैं दूसरी बालकनी को डेकोरेट करता हूँ। अरे पहले बालकनी बना तो ले, डेकोरेशन बाद में करेंगे। हाँ वही, अरे गलती से फेंस लगा दिया। यहाँ पे गेट लगाओ बोचे। लगा रहा हूँ मसाओ। बहुत अच्छे, बोचन ने यहाँ पे लगा दिया, अभी बोचन मेरी कॉपी करके ऊपर कैंप फायर लगाएगा। अबे वो कॉपी नहीं है शिनचान, ये डिजाइन एकदम सेम सेम होते हैं। नहीं नहीं कज़ामा, अभी बोचन भी कॉपीकैट बन रहा है। अबे कॉपीकैट, कॉपी डॉग क्यों नहीं? क्योंकि वो तो तुम हो ना कज़ामा। अबे यार ये तो पाद पाद में बेइज्जती करता है। आ गया स्वाद कज़ामा। कज़ामा मैंने बोला था शिनचान से बहस करोगी तो तुम्हारी बेइज्जती ही होगी। अरे हाँ मसाओ मैं ही गलती कर रहा हूँ, इससे बार बार बहस क्यों करता हूँ? जल्दी से आग को बुझा वरना पूरे घर में आग लग जाएगी। बुझा दी, चलो अब ये भी हो गया। अब जल्दी से यहाँ पे लैंटर्न्स लगा दो बालकनी में, ठीक है रात में फिर यहाँ पे वरना अंधेरा हो जाएगा। बोचन तुम बहुत स्लो हो, जल्दी करो। कर रहा हूँ मसाओ, बस होने ही वाला है। दूसरी तरफ मैं लगाऊंगा, कोई और मत लगाना। अच्छा ठीक है शिनचान लगा ले। ये लगाया एक और ये लगाया दो और तीसरा वाला रह गया और ये लगाया तीन। शिनचान तुम्हारा हो गया, अब यहाँ पे भी थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं। अरे सेकंड फ्लोर का थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी था, अब यहाँ पे डेकोरेट करके फिर हम यहाँ पे अपने काम की चीजें रखेंगे। कज़ामा मुझे एक आइडिया आया है। क्या बोचा? जो फर्स्ट फ्लोर पे
बड़ा सा रूम खाली है ना, हाँ उसमें हम लोग विलेजर्स रखेंगे जिनके साथ हम ट्रेडिंग करेंगे। अरे हाँ बोचन, बहुत सही आइडिया है। बिल्कुल सही बोला बोचन, यार तुम्हारे दिमाग तो बहुत तेज है, ये आइडिया एकदम मस्त था। हाँ वहाँ पे विलेजर्स का एक पूरा परिवार बना देंगे और उनसे ट्रेडिंग्स करेंगे, वो हमें अच्छी अच्छी चीजें देंगे। ठीक है बोचन, वैसे तेरा आइडिया एकदम सही लगा मुझे। यहाँ पे भी मैं फर्नेस लगा दिया है, और यहाँ पे स्मोकर भी लगा दिया है, और यहाँ पे मैं ब्लास्ट फर्नेस भी लगाऊंगा। शिनचैन इतना ज्यादा काम कैसे कर रहा है तू? अरे मैं बहुत ज्यादा मेहनती हूँ खजाना, तुम लोग तो एक नंबर के काम चोर हो। तब से सारा काम हम कर रहे हैं और काम चोर भी हम ही हैं। बिल्कुल सही बोला मसाओ। थैंक यू शिनचैन, थैंक यू। ये क्या, कुछ भी सही बोला, मैंने गलत बोला है, हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अरे मसाओ अभी तुम सही बोल रही थी लेकिन अब तुम गलत बोल रहे हो। यहाँ पे भी फ्लावर पॉट रखे, जल्दी से इसमें कुछ फ्लावर डाल देता हूँ। ये डल गया, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ओ हाँ यहाँ पे भी चेस्ट रख देते हैं, जगह खाली पड़ी है, यहाँ पे बैरल्स रख देता हूँ। अरे लेकिन हम थर्ड फ्लोर पे जाएंगे कैसे? अरे मसाओ उसके लिए हम यहाँ पे सीढ़ियाँ बनाएंगे। ओ यहाँ पे सीढ़ियाँ बनेंगी, चलो बढ़िया है, जल्दी से सीढ़ियाँ बनाओ कज़ामा। बना रहा हूँ मसाओ, ये भी बिल्कुल छत जैसे बनाएंगे, जैसे हमने छत बनाई थी वही पैटर्न में। ये तो बहुत ज्यादा आसान है, रुको मैं बनाता हूँ। अरे शिनचैन मैंने बस बना ही दी है। अभी ऊपर एक और, नीचे भी एक और लगा दो खजाना। हाँ हाँ लगाता हूँ, यहाँ पे लगेगी और ये डन। अब हमें यहाँ से रास्ता खोलना पड़ेगा, तो इसको तोड़ दो। बस ये टूट गया और डन। ठीक है अब हम लोग ऊपर नीचे जा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग करेंगे अपनी लाइब्रेरी का काम। यहाँ पे लाइब्रेरी अच्छी लगेगी, जल्दी से बना दो। यहाँ पे लगे बुक शेल्फ और यहाँ पे रखेंगे हम एंचेंटमेंट टेबल। तो दूसरी लाइब्रेरी का क्या होगा खजामा जो हमने वहाँ पे बनाई थी? अरे मसाओ वो लाइब्रेरी भी कभी कभी यूज कर लेंगे, उसको क्या होता है, उसको वहीं पे बनी रहने देते हैं। यहाँ पे भी कुछ बुक शेल्फ लगाता हूँ। अरे नहीं वहाँ पे हम पैदल लगाते हैं, वो बुक शेल्फ को तोड़ दो। शिनचैन का आइडिया तो सही है, ऊपर हम लोग बुक शेल्फ के बैरल लगाते हैं, ये बुक शेल्फ तोड़ दो। ये हो गया, चलो जल्दी से बैरल्स को यहाँ पे लगा दो। मैं लगाता हूँ, ये लग गए बैरल्स। वैसे ये यहाँ पे एनिवल भी बढ़िया लग रहा है। ओ तो यहाँ पे ये लगा दो, ये पता नहीं क्या चीज है बट मैंने ऐसे ही बना के लगा दिया। और यहाँ पे क्या करना है? इधर बनेगा बेडरूम। खजाना रेड कलर का बेड लगाओ ना। शिनचैन ये व्हाइट कलर का ही बेड है मेरे पास, तो मैं रेड कलर का बना देता हूँ। हाँ तो जब बन गया यहाँ पे लगा देना, अभी तो मैंने व्हाइट कलर का ही बनाया है। ठीक है तो मैं अभी बना दूंगा। चलो यहाँ का काम तो हो गया, अब हम नीचे एनिमल फार्म एंड फूड फार्म बनाते हैं। हाँ तो मिलते हैं फार्म को बनाने के बाद। ओए बल्ले बल्ले, हमारा पूरा का पूरा घर रेडी हो चुका है, तो चलो हम जल्दी से सबको घर का टूर करवाते हैं। ये यहाँ पे है हमारा एनिमल फार्म, जहाँ पे पड़ी है काउस ये हमें दूध देंगी, यहाँ पे पड़ी है शीप जो हमें देंगी वूल। और अभी हम इधर चलते हैं, यहाँ पे व्हीट फार्म है और यहाँ पे है आलू के चालू फार्म। अरे आलू के चालू फार्म नहीं, यहाँ पे है पोटैटो फार्म। अरे खजामा आलू ही पोटैटो होता है। अबे हाँ मुझे मत सिखा। ये देखो दोस्तों यहाँ पे हमारी बहुत सारी स्टोरेज है, अब हमें हमारे सामान को रखने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चेस्ट पड़ी है। और यहाँ पे हमारा काम का है ये हरा हरा हमारा नेदर पोर्टल, जहाँ पे हम जाएंगे नेदर वर्ल्ड में। और यहाँ पे भी चेस्ट पड़ी है, अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे। चढ़े ना थर्ड फ्लोर पे, यहाँ पे है हमारी बालकनी सुंदर सी। अरे दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बनाना चाहिए, ये जगह खाली पड़ी है, आप लोग जल्दी से कमेंट में बताओ। ये है हमारा बेडरूम और वो रहा हमारे डायमंड आर्मर। हाँ वैसे आप कमेंट में जरूर बताना कि वो खाली जगह पे हम क्या बनाए। और ये रही हमारी लाइब्रेरी, जहाँ पे हम अपने वेपन्स और आर्मर्स को पावरफुल करेंगे। ये देखो यहाँ से कितना अच्छा व्यू आ रहा है, हमारी बालकनी तो बहुत अच्छी लग रही है। हाँ चलो अब नीचे चलते हैं। ठीक है दोस्तों लेट्स गो, जल्दी से नीचे चलते हैं। हमारा ये घर तो काफी बड़ा बना है और सुंदर भी बना है, हमने इस पे बहुत ज्यादा मेहनत की है मसाओ। हम यहाँ पे बनाएंगे अपना विलेजर्स का ट्रेडिंग हॉल, ये बहुत ही ज्यादा बड़ा रूम है और ये पूरा खाली भी पड़ा है। हाँ यहाँ पे हम अपने विलेजर्स से बहुत सारी ट्रेडिंग करके अच्छा अच्छा सामान ले लेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये न्यू ब्यूटीफुल हाउस? अगर आप सभी को ये ब्यूटीफुल हाउस पसंद आया तो सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। हाँ और आप
आप इस हाउस को 10 में से कितने नंबर दोगे, जल्दी से कमेंट्स में जरूर बताना। चलो मैं अपने सभी मजदूरों को पद में पगार बांट दूंगा। अबे हट, हमें कोई पगार नहीं चाहिए और हम तेरे मजदूर नहीं है। मेरी मैं तो मजाक कर रहा था। बाय बाय दोस्तों।